हेलो फ्रेंड्स, प्रेमलतास किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं पीनट खजूर के लड्डू कैसे बनाते हैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पीनट खजूर के लड्डू बनाने के लिए हमें चाहिए 300 ग्राम खजूर, जिसके हमने कट करके बीज निकाल लिए हैं और 3-4 पीस में हमने खजूर को कर लिया है। 1 कप पीनट या मूँगफली के दाने, जिसे हमने मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट तक भून लिया है। भूनने के बाद दाने हमारे कुछ इस तरह से हो जाएंगे। अब हम एक डिब्बे में या बाउल में मूँगफली के दाने डाल देंगे और इस तरह से मिक्सर की सहायता से छिलके डाल लेंगे। मूँगफली के दाने के हमारे अच्छे से छिलके निकल चुके हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके पास इस तरह का मिक्सर नहीं हो तो आप रोटी मेकर से भी इस तरह से भी छिलके उतार सकते हो। उसके बाद हम एक ढक्कन में स्टेनर की सहायता से छिलके निकाल लेंगे इस तरह से। इस तरह से आप देख सकते हैं हमने सारे छिलके निकाल लिए हैं। अगर कोई छिलका रह भी जाए तो आप हाथ से निकाल सकते हैं। मूंगफली के दाने के हमने अच्छे से छिलके निकाल लिए हैं। अब हम लड्डू बना रहे हैं इसलिए हम दाने को थोड़ा सा और महीन कर लेंगे। इस तरह से हमने मूंगफली के दाने को छोटे छोटे पीस में कर लिया है। 2 टीस्पून देसी घी, 2 टीस्पून खसखस के दाने, जिसे हमने 2 मिनट के लिए रोस्ट कर लिया है, 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर। हमने सभी खजूर को फूड प्रोसेसर में डाल दिया है क्योंकि हमें थोड़ा सा महीन करना है। फ्रेंड्स, अगर आपके पास फूड प्रोसेसर नहीं है तो आप चाकू की सहायता से भी महीन कर सकते हैं या आप डायरेक्ट पैन में या कढ़ाई में भी बना सकते हैं। आप देख सकते हैं हमने खजूर को अच्छे से महीन कर लिए हैं क्योंकि फ्रूट प्रोसेसर में सबसे अच्छे खजूर महीन होते हैं। सबसे पहले हमने गैस को ऑन करके कढ़ाई में 1 टीस्पून घी को गर्म कर लिया है। उसके बाद हम मूंगफली के दाने 1 मिनट तक रोस्ट करेंगे। गैस की फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। 1 मिनट हो चुका है, मूंगफली के दाने हमारे घी में अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। अब हम गैस को बंद कर देंगे। हम दाने को एक प्लेट में निकाल लेंगे। फिर हमने गैस को ऑन करके सेम कढ़ाई में 1 टीस्पून घी को गर्म कर लिया है। अब हम खजूर को भूनेंगे। गैस की फ्लेम हम स्लो टू मीडियम ही रखेंगे और बराबर चलाते रहेंगे इस तरह से। हम बराबर दबा दबा के चलाते रहेंगे। खजूर भी हमारे अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब गैस को हम बंद कर देंगे। उसके बाद हम इलायची पाउडर और रोस्ट किए हुए मूंगफली के दाने अच्छे से मिक्स कर लेंगे। खजूर और दाने हमारे अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। खजूर को भूनने में हमें 5 मिनट का समय लगा था। अब हम मिश्रण को एक प्लेट में निकाल लेंगे और हल्का ठंडा कर लेंगे। मिश्रण हमारा हल्का ठंडा हो चुका है। अब हाथों में हम चिकनाई लगाकर छोटे छोटे लड्डू बना लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मूंगफली के दाने ज़्यादा लगे तो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी ले सकते हो। इस तरह से हम छोटे छोटे लड्डू बना लेंगे इस तरह से। इस तरह से हमने सभी लड्डू बना लिए हैं। अब हम खसखस के दाने से इसे कोट करेंगे। इस तरह से हम इस तरह से अच्छे से कर लेंगे। हमने इस तरह से खसखस के दाने सारे लड्डू पे लगा लिए हैं। खसखस के दाने लगाने से लड्डू का शो हमारा अच्छे से बढ़ गया है। फ्रेंड्स, सारे लड्डू पर हमने खसखस के दानों से कोटिंग कर ली है, जिससे हमारे लड्डू बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहे हैं एवं बहुत ही टेस्टी बने हैं। ये लड्डू बहुत ही जल्दी बनते हैं और इसे बनाने में भी बहुत कम समय लगता है और इसे हम बहुत समय तक स्टोर भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स,
आप भी पीनट खजूर के लड्डू बनाकर अपने अनुभव प्रेमलताज किचन में जरूर शेयर करें एवं मेरी रेसिपी के सफर में साथ चलने के लिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर।